नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हरियाणा सरकार ने बजट में एक योजना का ऐलान किया था। वह योजना थी परिवार सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को जो 15,000 रुपये से कम की कमाई करता है उसको 6,000 रुपये सालाना और किसानों को भी 6,000 रुपये सालाना की राशि दी जाएगी। यह योजना क्या है, इसके रुपये कैसे मिलेंगे और ये कैसे काम करेगी, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। अब 2019 के बजट में हरियाणा सरकार ने एक योजना की घोषणा की थी जिसका नाम था परिवार सम्मान निधि योजना। आज हम इस वीडियो में देखते हैं यह योजना कैसे काम करेगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों और आर्थिक कमजोर वर्ग के लोगों के लिए परिवार सम्मान निधि योजना की घोषणा की। सरकार ने राज्यों के किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए परिवार समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य सरकार की यह घोषणा केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से अलग होगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना थी जो किसानों को 6,000 रुपये साल मिलती थी, ये उससे बिल्कुल अलग है, अलग होगी, उससे अलग होगी लेकिन इसके बराबर ही चलेगी। केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सम्मान निधि देगी। राज्य सरकार भी इतनी ही राशि अलग से किसानों को देगी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राज्य सरकार की ओर से 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना से अलग घोषित की परिवार समृद्धि योजना है। इस तरह किसानों को कुल मिलाकर 12,000 रुपये वार्षिक होगी। केंद्र सरकार की योजना सिर्फ किसानों के लिए है जबकि राज्य सरकार ने अपनी योजना में गरीबों को भी शामिल किया है, इसलिए किसानों को सालाना 12,000 और गरीबों को 6,000 रुपये मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने बजट में किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर, खेतीहर मजदूर, दस्तकार और शिल्पकार के लिए करीब 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। हरियाणा में किसानों को केंद्र के 6,000 रुपये के साथ इतनी ही राशि मिलेगी, यानी कुल 12,000 रुपये किसानों को मिलेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट में परिवार समृद्धि योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि परिवार समृद्धि योजना का लाभ 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही 15,000 रुपये तक मासिक आय वाले लोगों को भी योजना का लाभ मिलेगा। 15,000 रुपये मासिक आय वाले लोगों को मिलेंगे, 6,000 रुपये सालाना। वो कैसे मिलेंगे देखते हैं। योजना के लाभ के लिए व्यक्ति विशेष की बजाय पूरे परिवार को इकाई माना गया है, यानी कि ये हर आदमी को नहीं मिलेगी, ये परिवार के किसी एक सदस्य को मिलेगी, यानी कि फैमिली आईडी बनेगी हरियाणा के अंदर। उस फैमिली आईडी में मान लो 6 बंदे हैं तो 6 में से सिर्फ एक को ही यह स्कीम मिलेगी। आप चाहे वो किसी को भी ले सकते हैं जो 18 से ऊपर हो। अब देखते हैं, इसके लिए राज्य सरकार फैमिली आईडी कार्ड परिवार पहचान पत्र बनाएगी जो राशन कार्ड और आधार कार्ड से बिल्कुल अलग होगी। परिवार पहचान पत्र बनाने का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, ये बजट में कहा गया था लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, काम चल रहा है। हरियाणा सरकार परिवार समृद्धि योजना की पहली किस्त हर 4 माह के अंदर अंतराल में 2,000 रुपये के हिसाब से साल में 3 बार प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के साथ पहली किस्त लाभार्थियों के खाते में डालेगी। 500 रुपये मासिक की इस योजना का पैसा नगद हासिल करने के लिए लाभार्थी को कई विकल्प होंगे। अब इस योजना में कई विकल्पों में पैसा मिलेगा, वो देख लेते हैं कैसे। 60 साल तक के लोगों के लिए होगी यह योजना। परिवार समृद्धि योजना को हरियाणा सरकार ने 2 हिस्सों में बांटा है। नंबर 1, पहली योजना 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए होगी। दूसरी योजना 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए है। इन योजनाओं में अलग अलग विकल्प होंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए सरकार अलग से योजना बनाएगी, इसका ऐलान बाद में होगा, अभी नहीं हुआ है। केंद्र की 3 योजनाओं का प्रीमियम कटवाने का विकल्प भी होगा इसके अंदर। 18 से 40 साल के लोग यदि 500 रुपये मासिक यानी कि 6,000 रुपये वार्षिक नगद लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते तो वो पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो कि 18 से 40 साल
के लोगों के लिए योजना आई थी कि 3,000 रुपये साल के मतलब 60 साल बाद पेंशन मिलेगी, वो योजना है पीएम श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना। प्रीमियम इसमें से कटवा सकते हैं। प्रीमियम कटवाने के बाद बकाया राशि को परिवार समृद्धि योजना में जमा करवा दिया जाएगा। इसके बाद उम्र के हिसाब से हर 5 वर्ष में 18,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक मिलेंगे। श्रम पेंशन योजना का प्रीमियम कटने के बाद 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि इस योजना में देखिए 6,000 रुपये साल के मिलते हैं, ठीक है। श्रम योगी मानधन योजना में मान लो आपकी किस्त 150 रुपये महीना बनती है, 150 रुपये महीना बनती है तो साल के हो गए समझो आपके 1,800 रुपये, यानी कि 6,000 में से 1,800 रुपये वो काट लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, जैसे साल की है 12 रुपये शायद है, एक 330 रुपये वाली है, उसमें से उसका वो काट लेंगे। जो बकाया राशि बच जाएगी वो आपकी परिवार समृद्धि योजना में जमा कर दिए जाएंगे, बकाया राशि 6,000 में से जो कट के बचेगी, ठीक है। जो बचेगी उसके हिसाब से हर 5 वर्ष में 18,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक मिलेंगे, यानी कि मान लो बच्चा 18 साल का ही इस योजना में शामिल हो जाता है तो उसको 30,000 रुपये तक मिल सकते हैं। श्रमिक पेंशन योजना का प्रीमियम कटने के बाद 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, ये मानधन वो श्रम योगी मानधन योजना की स्कीम है, 60 साल के बाद 3,000 रुपये पेंशन। अब दूसरा विकल्प है इसका, 5 साल में एक साथ मिलेंगे 36,000 रुपये, यानी कि 40 साल से 60 साल तक के लोग अगर चाहें तो अपनी सालाना राशि 6,000 रुपये परिवार समृद्धि योजना में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद इन लोगों को हर 5 साल बाद 36,000 रुपये मिलेंगे। हर वर्ष की राशि के हिसाब से 5 वर्ष में 30,000 रुपये बनते हैं, लेकिन सरकार ब्याज सहित 36,000 रुपये देगी, यानी कि अगर 40 से 60 साल के लोग इस योजना में शामिल होते हैं और वो 5 साल में पैसा निकलवाते हैं तो उनको 36,000 मिलेंगे 6,000 रुपये ब्याज के और देगी सरकार, ठीक है। 18 साल के युवकों को 60 के बाद 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अब और देखिए, हरियाणा सरकार ने इस योजना में 60 वर्ष की उम्र के बाद स्थायी पेंशन देने का विकल्प भी रखा है। इसमें सबसे अधिक फायदा उन युवाओं को होगा जो योजना शुरू होने के समय 18 वर्ष के हैं। अगर वे हर 4 महीने में 2,000 रुपये पेंशन मासिक नहीं लेते और 60 वर्ष के बाद होने पर यह पैसा जमा रहने देते हैं तो 60 का होने के बाद उन्हें 15,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। 40 वर्ष की उम्र में योजना को अपनाने वालों को 60 का होने के बाद 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। वर्तमान में दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन परिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको 3 भागों में बांट दिया इन्होंने, 18 से 40 साल, 2 भागों में 18 से 40 साल और 40 से 60 साल। अगर आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 साल के युवक 60 के बाद पेंशन, यानी कि आपकी फैमिली आईडी मान लो 5 सदस्यों की है, उसमें 2 सदस्य 40-40 साल के हैं, 1 सदस्य 18 साल का है। अगर आप उसको 18 साल वाले को यह योजना देंगे, अगर वो बंदा 60 साल तक कोई भी पैसा नहीं निकलवाता तो बुढ़ापे में उसको 15,000 रुपये मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, यानी कि सिर्फ ये फैमिली में एक ही बंदे को मिलेगी। ये ध्यान देने वाली बात है, जो कि हरियाणा में इस टाइम फैमिली आईडी बननी शुरू हो चुकी हैं, बनने का काम चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है और लोकसभा इलेक्शन के बाद ही शायद ये परिवार सम्मान निधि योजना शुरू होने वाली है। अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब चलेगी, आवेदन भी नहीं शुरू हुए हैं। जब भी आवेदन आएगी तो उसका वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी जहां तक माने तो फैमिली आईडी बनने का काम तो चल ही रहा है, इलेक्शन के बाद लोकसभा के इलेक्शन के बाद ये योजना शुरू होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि घोषणा हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, धन्यवाद। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।